हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिश्रा जी इंडियन ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में कुछ नया दिख रहा होगा आपको। तो ये है आज मटन बिरयानी, जिसको दम बिरयानी बोलते हैं, और ये पक्की अखनी की मटन दम बिरयानी है। तो मैं आज बना रही हूँ मटन बिरयानी। तो फ्रेंड्स, ये हैदराबादी पक्की अखनी की दम बिरयानी बना रही हूँ मैं आज। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देख के ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, हमने पैन रख दिया गैस पे और हमने इसमें एक कप मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, देख सकते हैं आप। और इसमें हम अब प्याज। तो फ्रेंड्स, हमने प्याज को बहुत ही पतला बारीक काट लिया था और अब हम गरम तेल में इसको फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। तो जब भी आप बिरयानी बनाओ तो प्याज सबसे ज़रूरी होता है। तो प्याज को इस तरह से पहले हम फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए, प्याज हमारा गोल्डन हो गया है, तो बिल्कुल कुरकुरी करके निकालना है इसको, और ये कुरकुरी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने आधी केजी मटन ले लिया है और 250 ग्राम हमने इसमें दही ले लिया है, फ्रेश दही। और हमने इसमें 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दिया है और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए हैं। और 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और 5 से 7 आधी कटी हुई हरी मिर्च डाला है। और ये जितने भी हैं खड़े गरम मसाले, सारे हम इसमें डालेंगे। और 1 चम्मच हम इसमें नमक ले लिए हैं और 1.5 चम्मच गरम मसाला हमने पीस के डाल दिया है इसमें। तो हमने पाउडर नहीं डाला है, हमने पीस के डाला है, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं, ये देखिए। तो इसको भी हमने सिलबट्टे पे ही पीस लिया था। और जो हमने प्याज फ्राई किया था और उसी तेल को हमने इसमें डाल दिया है 1 कटोरी, और 1/2 कटी हुई लेमन जूस भी डाल देंगे हम इसमें। और जो हमने फ्राई किया था प्याज, वो भी इसमें डाल देंगे। और बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और 5 से 7 पुदीने के पत्ते डालेंगे और 2 टमाटर हमने काट के इसमें डाल दिया है। और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे हम हाथ से। तो हाथों से हमें इन जितने भी हमने सामान इसमें डाले हैं उसको सबको अच्छे से मिला लेना है इस तरह से, देखिए। कम से कम इसको आपको 10 से 15 मिनट तक मिलाना है हाथों से, नहीं तो आप कम से कम 5 मिनट तो हाथ से मिला ही सकते हो, नहीं तो सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाते हैं। और इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हो, हमने ऐसे 1 घंटे के लिए बाहर ही रखा है। तो फ्रेंड्स, 1 घंटा हो चुका है और मटन
हमारा मैरिनेट हो चुका है, तो अब हम इसको कुकर में अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए मटन हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, तो इसको अभी हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारा अच्छे से पक चुका था मटन, और अब हम इसको ढक्कन लगा के कुकर का बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 10 मिनट तक, और उसके बाद हम इसमें 2 सीटी लगा देंगे तो हमारा मटन हो जाएगा तैयार। और इधर हम चावल के लिए पानी तैयार कर रहे हैं, तो हमें एक बड़ा सा पतीला लेना है और उसमें 4 से 5 लीटर हमने पानी ले लिया है। पानी हमें ज़्यादा रखना है, नहीं तो चावल फैलेगी नहीं और चिपचिपी सी बन जाएगी। तो हमने 4 से 5 लीटर पानी ले लिया था, और इसमें हमने कटा हुआ धनिया और 5 से 7 पुदीने के पत्ते और तेज़पत्ता डाल दिया है, और इसमें भी हम साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे, जितने हम भी हमने मटन में डाले थे वो सारे इसमें भी डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मसाले हमने सारे डाल दिए हैं इसमें, और आधी कटी हुई लेमन जूस डालेंगे ताकि हमारी चावल खिली खिली बन जाए, और जो प्याज से तेल हमारा बच गया था वो भी हमने आधी कटोरी इसमें डाल दिया है। और ये देखिए पानी हमारा अच्छे से उबल चुका है, देख सकते हैं आप। तो आप चाहे तो ये जो गरम मसाले और धनिया पत्ता हमने डाले थे वो रख सकते हो, और चाहे तो निकाल सकते हो, तो हमने निकाल दिया था, तो आप चाहे तो रख सकते हो। और ये देखिए हमारा चावल 1 घंटे के लिए हमने भिगोने के लिए रख दिया था, तो चावल हमारा भीग चुका था 1 घंटे के लिए, और हमने इसको उबलते हुए पानी में डाल दिया, जो हमने चावल के लिए पानी तैयार किया था उसमें हमने डाल दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट तक इस चावल को हाई फ्लेम पे पकाना है, और चावल हमारा हो चुका है तैयार, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, आधा कच्चा ही रखना है। तो अब हम इसको चावल को छान लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स इधर हमारा मटन भी तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप, बिरयानी बनाने के लिए, और अच्छी तरह से पक चुकी है ये, बिल्कुल सही से पक चुकी है ये। तो ये देखिए हमने चावल को छान लिया था, और इसको बड़े से पतीले में हम लेयर बाय लेयर इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए हमने नीचे चावल रख लिया है, और अब हम इसमें धनिया पत्ती कटी हुई डाल दी है, और जो हमने प्याज फ्राई किए थे वो भी डालेंगे इसमें, और मटन भी डालेंगे इसमें हम, ये देखिए इस तरह से। और उसके ऊपर हम फिर चावल रखेंगे, और फिर से दूसरी लेयर तैयार करेंगे हम, फिर से धनिया पत्ता डालेंगे इसमें, और फिर इसमें हम ने जो फ्राई किया हुआ प्याज था फिर से उसमें डालेंगे हम। और मटन डाल देंगे इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से। तो फ्रेंड्स हमारे घर में ज़्यादा बिरयानी बनती नहीं है, लेकिन जब भी कभी बनाती हूँ तो ठीक से बन जाती है, और अब बहुत ही टेस्टी बनती है।
तो ये तो आप लोग बताओगे कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको 2 से 3 लेयर दिखाया है, लेकिन हमने इसमें ज़्यादा ही लेयर दिया था क्योंकि चावल और कम कम डालते हैं। जितना कम कम डालोगे और जितनी ज़्यादा लेयर तैयार करोगे, उतनी ही टेस्टी बिरयानी बनेगी आपकी। तो देखिए, हमने इस तरह से बनाया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से बिरयानी बन जाती है। और अगर आप कभी नहीं भी बनाए हो बिरयानी, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हो। और बहुत ही आसान तरीके से हमने बिरयानी बनाना इसमें बताया है, तो हर कोई बना सकता है ऐसे। तो अगर आप लोग नॉनवेज हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और आज की हमारी बिरयानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, लास्ट की लेयर भी हमारी तैयार हो चुकी थी, और एक कटोरी हमने इसमें गरम घी डाल दिया है ताकि हमारी बिरयानी नीचे से जले नहीं। और आधी चम्मच हमने खाने वाला कलर डाल दिया है इसमें ताकि हमारी बिरयानी कलरफुल दिखे। और फ्रेंड्स, ये हमारी बिरयानी हो गई है तैयार। तो इसको हम 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकने देंगे, और एक साइड हम मोटी सी तवा ले लेंगे, और जब उसमें से धुआं निकलने लग जाए तो तब हम उसको बिरयानी को उसके ऊपर रख देंगे और 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। और फ्रेंड्स, हमने ये आटे से इसको बंद किया है क्योंकि कॉपर पेपर से तो सभी करते हैं, तो मैंने आटे से करके दिखाया है ताकि किसी को भी बनाने में कोई परेशानी ना हो। अगर आपके पास सामान हो तो भी, अगर ना हो तो भी आप घर में जो सामान है उसे इस्तेमाल करके बिरयानी बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, बिरयानी हमारी हो चुकी है तैयार, और देखिए कितनी कलरफुल लग रही है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।